बहुत खूब दोस्तों, इस सीजन हमें सबसे पहले जो है वो बच्चे देखने को मिले दोस्तों, तीन बच्चे हैं दोस्तों। अगर इस टहनी को हमारे बर्ड्स खाएंगे तो काफी फायदे हैं, गिलोय बेल के साथ ही नीम की लकड़ियों के काफी ज्यादा फायदे हैं। बहुत खूब ब्यूटीफुल दोस्तों, यहाँ पर आप देखें एक मेल और एक फीमेल मटकी के अंदर ही बैठे हैं, धीरे धीरे अपने शौक को बढ़ा रहे हैं, अपने बर्ड सेटअप को भी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया बर्ड सेटअप तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इस बेंगल में मेल है, इस बेंगल में ही फीमेल है। मेल का कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और ये जोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आज दोस्तों एक बर्ड्स लवर ही मेरी खुशी को समझ सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े बर्ड सेटअप में, इतने सारे बर्ड्स के बीच में आज हमें अपने एक बजीज पैरेट के जोड़े ने पहला बच्चा दिखाया है, इस सीजन का पहला बच्चा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पूरे ऑफ सीजन में हमारे फिंच बर्ड ने ढेर सारे बच्चे दिए हैं, लेकिन दोस्तों बजीज पैरेट के ब्रीडिंग को देखने की जो खुशी है, बजीज पैरेट के बच्चों को देखने की जो खुशी है, वो शायद दूसरे बर्ड्स में नहीं होती होगी। क्योंकि बजीज पैरेट की एक खास बात यह है कि बजीज पैरेट के कोई भी कलर के जोड़े हमें कैसे भी कलर के बच्चे दे सकते हैं। हमें इंतजार रहता है कि भाई ये जोड़ा किस कलर के बच्चे निकालेगा, और उन ढेर सारे कलरफुल बच्चों को देखने का जो दृश्य है वो मनोरम होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप जानते हैं कि मेरी शुरुआत, बर्ड्स रखने की शुरुआत बजीज पैरेट बजरी तोतों से ही हुई है। आज तो मैंने काफी सारे बर्ड का कलेक्शन किया, आगे काफी ज्यादा बर्ड का कलेक्शन आप सभी के सपोर्ट से करेंगे। धीरे धीरे अपने इस शौक को बढ़ा रहे हैं, अपने बर्ड सेटअप को भी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया बर्ड सेटअप तैयार हो रहा है। तो दोस्तों वैसे तो जो बच्चा है वो 2 से 3 दिन पहले ही निकल गया था दोस्तों, थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों इस तरफ लगने के लिए काफी सारे पिंजरे तैयार हो रहे हैं, मैं लगा हुआ था वहां पर, और दोस्तों सेटअप तैयार है, मैं फिंच बर्ड को रिलीज भी नहीं कर सका। तो काफी जल्द अपने सभी तरह के फिंचेस बर्ड को भी रिलीज करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ आप देखें ये 4 पोर्शन का केजेस है, यानी 4 पोर्शन है इस पिंजरे में, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के साथ इस बार बजीज पैरेट के जोड़ों को अलग किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ जो जोड़ा है वो दोस्तों हमने अपनी मर्जी से लगाया था, और यहाँ पर एक मेल के साथ में हमने 2 फीमेलों का जोड़ा लगाया था, और यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा हमने लगाया था जिसमें दोस्तों मेल फीमेल का जोड़ा लगा हुआ था, कन्फर्म था, और हमें जोड़े का कलर काफी पसंद आया। और इसी के साथ ही यहाँ पर नीचे के पिंजरे में दोस्तों हमने 2 मेल और 2 फीमेलों को छोड़ा जिनका जोड़ा नहीं लगा हुआ था। तो दोस्तों क्या हुआ हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमें क्या करना होगा, और इसी के साथ में चारों ही जोड़ों की आज मैं आपको ब्रीडिंग अपडेट दूंगा। लेकिन इस तरफ हमारे बजीज पैरेट की काफी खूबसूरत कॉलोनी है दोस्तों। मुझे बर्ड्स रखने के साथ साथ में मैं ये चाहता हूँ कि बर्ड सेटअप जो हो वो एक नेचुरल तरह का हो, काफी अच्छा हो, जहां पर हमारे बर्ड्स खुश रहे दोस्तों। इस बार देखें हमने कोशिश की है नेचुरल लकड़ियां लगाने की, इष्टिके सारी नेचुरल है, एक जुदा लगाया है दोस्तों। जो गिलोय की बेल आती है जो कि पेड़ों के ऊपर चढ़ती है, उसकी दोस्तों टहनी जो कि काफी अलग शेप में मुड़ी हुई होती है वो हमने लगाई है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा जुदा है दोस्तों। अगर इस टहनी को हमारे बर्ड्स खाएंगे तो काफी फायदे हैं, गिलोय बेल के साथ ही नीम की लकड़ियों के काफी ज्यादा फायदे हैं। एक वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा इस टॉपिक पर भी दोस्तों। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे बर्ड की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे कौन सा बर्ड ब्रीडिंग करता है। तो अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे सदस्य बन जाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हम काफी सारे बर्ड्स का कलेक्शन करेंगे, काफी बड़ा बर्ड सेटअप भी बनाएंगे, और आपको काफी ज्यादा बातें सीखने को भी मिलेगी। बहुत खूब ब्यूटीफुल दोस्तों, यहाँ पर आप देखें एक मेल और एक फीमेल मटकी के अंदर ही बैठे हैं, और दोस्तों 7 अंडे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने बुरादा वुड सेविंग दिया था, लेकिन बर्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया मटकी से, क्योंकि काफी बजीज पैरेट उसे पसंद नहीं करते। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि 3 अंडे इस फीमेल ने दिए थे और 4 अंडे हमने शिफ्ट कर दिए, तो उसके बाद इसने अंडे ही नहीं दिए, उन्हीं 7-1 पे बैठते। शायद ये बर्ड समझते होंगे कि भाई 7 से ज्यादा अंडों को हम इंक्यूबेट नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से बर्ड्स ने ज्यादा अंडे नहीं दिए दोस्तों। यहाँ पर आप देखें कि एक मेल बजीज बैठा हुआ है, काफी एक्टिव है दोस्तों। इस मेल बजीज की पेयरिंग हमने की है 2 फीमेलों के साथ में, जो कि दोनों ही आप देखें कि मटकी में बैठी हुई है दोस्तों। इन दोनों ही फीमेलों की जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी है, ये आप देखें, एक तो अंडों पर बैठती है, दूसरी जो है वो प्रोटेक्ट करती है अपनी मटकी को, अपनी जो है दूसरी वाली फीमेल को।
आप देखें ये कैमरा नहीं ले जाने दे रही पास में। और दोस्तों लगभग 3 से 4 अंडे हैं इस मटकी में, तो दोस्तों शायद आपको एक अंडा तो दिख गया होगा। और फीमेल के नीचे दोस्तों और भी कई सारे अंडे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 2 मेल सबसे आगे बैठे हुए हैं, उसके बाद 3 नंबर पे जो बैठी हुई है वो है फीमेल, और 1 मेल दोस्तों मटकी में जाने लगी है, अंडे भी दे दिए हैं। आगे जो मेल बैठा है वो दोस्तों उसी फीमेल का जोड़ा है, और पीछे जो जोड़ा बैठा है वो एक अलग जोड़ा है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि हमको एक जोड़े को अलग करना होगा, मैंने देखा कि भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन दोस्तों हुआ यह कि दूसरी वाली फीमेल और दूसरा वाला जोड़ा भी ब्रीडिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस फीमेल को वो दूसरी वाली फीमेल मटकी में नहीं जाने देती, तो इस जोड़े को काफी जल्द दोस्तों हम अलग कर देंगे। तो सबसे पहले मटकी देखते हैं कि क्या है। दोस्तों मैंने आपको काफी बार बताया है कि इस समय क्या होता है, मेल का काम होता है अपनी फीमेल को प्रोटेक्शन देना यानी कि बचाना। तो ये आप देखें कि मटकी के पास कैमरा आने के बाद से ही मेल भी आ चुका है मटकी के पास में, और यहाँ दोस्तों आप देखें काफी खूबसूरत, काफी खूबसूरत दोस्तों ये जो फीमेल है ये 3 अंडे लेकर के बैठी हुई है और अपनी साथी यानी दूसरी फीमेल को अंदर नहीं आने देती। तो भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूसरी फीमेल को जो है वो अलग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देखें, तो दोस्तों यहाँ आप देखें दूसरी वाली फीमेल का कलर देखें, काफी अच्छा कलर है, काफी अच्छी कलर क्वालिटी है। तो ठीक है दोस्तों काफी जल्द इस जोड़े को हम अलग कर देंगे दूसरे वाले को। तो दोस्तों यहाँ इस मटकी में वो जोड़ा है जिसने बच्चे निकाल दिए, मेल और फीमेल दोनों ही अंदर ही है मटकी में, और बहुत खूब दोस्तों इस सीजन हमें सबसे पहले जो है वो बच्चे देखने को मिले। दोस्तों 3 बच्चे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों मैं थोड़ा सा बिजी था, आप सभी को अपडेट नहीं दे पाया। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं, मेल और फीमेल अंदर ही बैठे हुए हैं, काफी अच्छे कलर क्वालिटी में मेल है, काफी अच्छी कलर क्वालिटी में फीमेल है। इसी समय दोस्तों हम पहचान कर सकते हैं रेड आइज और ब्लैक आइज बच्चे की। दोस्तों स्पेंगल में मेल है, स्पेंगल में ही फीमेल है, मेल का कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और ये जोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और ये जोड़ा दोस्तों लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि जोड़े को अलग नहीं करते हैं, ये जोड़ा हमें काफी अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट देगा, और वैसा ही हो रहा है और उम्मीद है कि आगे होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारे हर एक वीडियो को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और दोस्तों फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो आप देख सकें सबसे पहले, और हमारे इस चैनल के रेगुलर सदस्य भी आप बने रहें।